हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे अंक की बिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। इससे पिछली वीडियोस में हम अ से लेकर औ तक की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, साथ में उसको भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ग ग पे अंक की बिंदी, फिर है ग ग पे अ की मात्रा। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम गंगा बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, गंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम जी के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ फिर से हम जी लिख देंगे। ग पे आ की मात्रा है इसलिए जी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा जी ए एन, जी ए गंगा। पंकज, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प प पे अंक की बिंदी, फिर है क, फिर है ज। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन जब हम पंकज बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, पंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, क आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ जे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पी ए एन के ए जे, पंकज। बंगाल, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ब ब पे अंक की बिंदी, फिर ग ग पे आ की मात्रा, फिर है ल। ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे अंक की बिंदी है और जब हम बंगाल बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, बंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर बी के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बी ए एन जी ए एल, बंगाल। चंदन, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। च, च पे अंक की बिंदी, फिर है द, फिर है न। च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे अंक की बिंदी है और जब हम चंदन बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, चंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर सी एच के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख देंगे। जब द बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, द आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे, तो ये बन जाएगा सी एच ए एन डी ए एन, चंदन। कंगना, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क, क पे अंक की बिंदी, फिर ग, फिर न, न पे आ की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे अंक की बिंदी है और जब हम कंगना बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, कंग, इसलिए यहाँ पर के आगे ए एन लगा देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे।
न पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा के ए एन जी ए एन ए कंगना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दो, जिससे कि मैं और भी आपके लिए इस टाइप के वीडियोस बना पाऊं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, शंकर। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, श श पे अंकी बिंदी, फिर क फिर र। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे अंक की बिंदी है और जब हम शंकर बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, शंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एस एच के आगे ए एन लगा देंगे। फिर है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, क, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एस एच ए एन के ए आर शंकर। मंगल। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, म, म पे अंकी बिंदी, फिर है ग, फिर है लो। म को इंग्लिश में अम लिखते हैं तो यहाँ हम अम लिख देंगे। म पे अंक की बिंदी है और जब हम मंगल बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, मंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एम ए एन जी ए एल मंगल। संजय। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, स, स पे अंकी बिंदी, फिर ज, फिर य। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे अंक की बिंदी है और जब हम संजय बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, सन आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ज, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है य, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एस ए एन जे ए वाई संजय। चंचल। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, च, च पे अंकी बिंदी, फिर च, फिर ल। च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे अंक की बिंदी है और जब हम चंचल बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, चन आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम सी एच के आगे ए एन लिख देंगे। फिर से च है तो इसलिए यहाँ पर हम फिर से सी एच लिख देंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर च बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, च आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम सी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा सी एच ए एन सी एच ए एल चंचल। पतंग। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, प, फिर है त, त पे अंकी बिंदी, फिर है ग। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, प आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त, त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे अंक की बिंदी है और जब हम पतंग बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, पतंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पी ए टी ए एन जी पतंग। चंपक। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे अंक की बिंदी है और जब हम चंपक बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, चम आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर सी एच के आगे ए एम लिख देंगे। फिर है प,
प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, प आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे, तो ये बन जाएगा सी एच ए एम पी ए के चंपक। संदेश, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स, स पे अंक की बिंदी, फिर द, द पे ए की मात्रा, फिर है श, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे, स पे अंक की बिंदी है और जब हम संदेश बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, सं आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ डी लिख देंगे, द पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर डी के आगे ई लिख देंगे। फिर है श, श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ एस एच लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एस ए एन डी ई एस एच संदेश। जंगल, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ज, ज पे अंक की बिंदी, फिर ग, फिर ल, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ जे लिख देंगे, ज पे अंक की बिंदी है और जब हम जंगल बोल रहे हैं तो उसपे अंक की ध्वनि आ रही है, जंग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए एन लिख देंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे, जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे, तो ये बन जाएगा जे ए एन जी ए एल जंगल। जयंती, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ज, फिर है य, य पे अंक की बिंदी, फिर त, त पे बड़ी की मात्रा, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ जे लिख देंगे, जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ज, इसलिए यहाँ पर जे के आगे लगा देंगे। फिर है य, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ वाई लिख देंगे, य पे अंक की बिंदी है और जब हम जयंती बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, जयंती आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर y के आगे a n लिख देंगे। फिर है त, त को इंग्लिश में t लिखते हैं तो यहाँ t लिख देंगे, त पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, I लगाते हैं, तो ये बन जाएगा J A Y A N T I जयंती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।